Friends, now our next chapter of social is from economics, that is people as a resource. In this chapter we will read the 7 points: the introduction of this chapter, the human as a resource, the stories of Sakal and Vilas, and then economic activities, quality of population, unemployment and employment scenario. Let us start with the introduction of this chapter. People as a resource is a way to relate to the working people of a country with respect to their current functional skills and abilities. So हम people को resource बना सकते हैं अगर उनके अंदर abilities है और उनके अंदर अगर functional skills है तो, और वो skills और abilities कैसे आएगी, उनको education देके. Human resource is not a liability but an asset to the economy. Human resource, अगर हम human being को resource बना रहे हैं तो वो एक हमारे लिए एक क्या बनेंगे, economy के लिए एक asset बनेंगे. Asset बोलते हैं जिससे हम पैसा earn कर सकें, एक नई ideas ला सकें. तो लोगों में अगर हम नया आइडियाज़ कैसे ला सकते हैं, उनको हम एजुकेट करके, ट्रेंड करके. जैसे अभी आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है तो आपके पास एक नया आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी सोसाइटी को बढ़िया बना सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं. ये कैसे आएगा, जब तक आपको एजुकेशन मिलेगी तब तक. द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर इज़ मेड. इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि वो फ्यूचर हमारी कंट्री की. क्यों? क्योंकि उनको हम जब एजुकेट करेंगे तो वो एक सोसाइटी को एजुकेट करेंगे और ऐसे हमारी सोसाइटी क्या बनेगी, एक बहुत ही डेवलप बनेगी, जिससे हम हमारी इकोनॉमी जो होगी वो अच्छी होगी और पीसफुली हम रह सकते हैं इस कंट्री में. ह्यूमन कैपिटल इज एसेंस इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड विद इट. सो ह्यूमन नॉलेज, अगर हम ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं, अगर हम ह्यूमन को कैपिटल बना रहे हैं, तब वो क्या बनेगा, एक स्टॉक बनेगा स्किल का. लोगों के पास एक एबिलिटी आएगी, एक नया सोच, एक नई चीज़ करने की एक इनके पास एक ट्रेनिंग मिलेगी उनको, जिससे वो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा. सो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को कैपिटल कैसे बना सकते हैं हम. ह्यूमन कैपिटल टीचर है, ह्यूमन कैपिटल डॉक्टर है, टेलर है, एक मैकेनिक है, ये क्या है, ये सब एक एसेट हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ये इकोनॉमी बढ़ाते हैं हमारी कंट्री की. पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. जो भी एक पर्सन काम में लगा हुआ है, जो एक एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, वो एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है. बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग द इन द प्रोडक्टिविटी द ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. सो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी में, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए. एनी अदर रिसोर्सेज बिकम्स यूजफुल एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्स. कोई भी रिसोर्स अगर आप देखें, अगर एक पेड़ है, वो पेड़ कोई यूज़ का नहीं है अगर उसको हम काटना तो गलत है, लेकिन अगर उसको हम एक डेवलप वे में दे रहे हैं, अगर उसको हम कुछ बना रहे हैं एक यूज़फुल वे में, तो किसके थ्रू बन रहा है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू. आज हमारे पास कंप्यूटर है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो किसने इन्वेंट की, ह्यूमन बीइंग ने. अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पाती. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग में अगर ऐसा कैपिटल, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा कैपिटल है, अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा और चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर. इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके और हेल्थ केयर. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अगर हेल्थ केयर नहीं होगा, अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो ह्यूमन बीइंग हमारे लिए एक बजाय एक एसेट बनने के, एक लाइबिलिटी बन जाएगा, जिस पर पैसा खर्च होगा, ना कि वो पैसा क्रिएट करेगा, बनाएगा. अ पर्सन विथ बेटर एजुकेशन यूजुअली अर्न्स बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन. ऑब्वियसली एक इंजीनियर की जो सैलरी होगी वो एक रिक्शा पुजार से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर ट्रेनिंग मिली है उसको, उसको एजुकेशन मिली है. इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट करके हम ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स बना सकते हैं. मोर ओवर अ हेल्दी पर्सन इज़ मोर प्रोडक्टिविटी. एक हेल्दी पर्सन है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा. कैसे, सपोज अगर कोई पर्सन अर्न कर रहा है, कोई इसकी अर्निंग है, कोई इसकी इनकम है, अगर उसके हेल्थ नहीं है तो उसकी जो अर्निंग होगी वो उसके दवा में जाएगी. तो अगर पर्सन हेल्दी होगा तो उसकी दवा में नहीं जाएगा, बल्कि उसको और डेवलप करेगा, वो अपने पैसे का यूज़ कर सकता है. सो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, दीज ऑल आर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. वी हैव ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वर्सेज IT रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन से हमने क्या रिवोल्यूट किया, वीट एंड राइस. तो गेहूँ, चावल, इनके रिवोल्यूशन, इनके प्रोडक्शन से किसका फ़ायदा हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का. और ग्रीन रिवोल्यूशन जिससे हुआ HYB सीड्स, उसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग. सो IT रिवोल्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है ना ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज अगर हम ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बना रहे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग को हम ह्यूमन बीइंग में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हर किसी भी फील्ड में होगा.
अगर हम ह्यूमन बींग को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो वो किसी भी फील्ड को डेवलप कर देगा जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। सो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वो क्या देगा आपको, हायर इनकम, इट इज़ एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड इट इज़ सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। किसी भी चीज़ में अगर हम खर्च कर रहे हैं पैसा तो उससे बेहतर है अगर हम एक ह्यूमन बींग को एजुकेट करेंगे तो वो और चीज़ों को क्रिएट करेगा। वी हैव इन द चैप्टर द स्टोरीज ऑफ टू पर्सन, सकाल एंड विलास। सकाल क्या है, ही इज़ एजुकेटेड, ही हैज़ गॉट जॉब, ही इज़ हेल्दी, ही इज स्किल्ड, ही अर्न्स हायर इनकम एंड ही इज़ अ हायर प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। तो एक पर्सन अगर एजुकेटेड है तो उसके अंदर कितने फ़ायदे हैं उसको, और अगर अनएजुकेटेड है लाइक विलास, सो ही इज़ फोर्स टू सेल्फिश, ही इज़ अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ही इज़ अनस्किल्ड, ही हैज़ लोअर इनकम एंड लो प्रोडक्टिविटी। वो मेहनत उससे ज़्यादा कर रहा है जो एजुकेटेड है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो पर्सन एजुकेटेड है उसके पास टेक्नोलॉजीज है, उसके पास स्किल्ड हैं, और स्किल्ड पर्सन जो होता है वो कम मेहनत में ज़्यादा अर्न करता है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम मेहनत जो है वो कम करें, कम मीन्स ऐसी करें और उसका हमें प्रॉफिट जो वो ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट कम करना होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सो ह्यूमन बींग को अगर हम एजुकेटेड बनाएंगे तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। सो प्रोडक्शन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सी, वी कैन क्रिएट अ पर्सन इन टू अ डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, एवरीथिंग। अब तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी को, हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंक्रीज करेगा और आगे बढ़ाएगा। एजुकेटेड पेरेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड हेंस इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द चाइल्ड। सो एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो जानते हैं कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस क्रिएट्स अ विट्रिशियस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। सो एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की हेल्थ के भी काफ़ी ख्याल करते हैं। आप देखेंगे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा केयर करते हैं हेल्थ को लेके, जो हर तरह की सोचते हैं कि वो सिक्योर करें अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी अगर तबीयत ख़राब होगी तो उनका जो ध्यान होगा वो पढ़ाई में नहीं बल्कि उनकी ध्यान लगेगा उनकी तबीयत में, उनके ख़राब होने में, उनकी तबीयत को सही करने में। सो बेहतर है कि अपने बच्चों के हम हेल्थ भी देखें और एजुकेशन भी देखें। अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर अनएबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू देयर चिल्ड्रन। दिस क्रिएट्स अ विशियस साइकिल इन विच द कमिंग जनरेशन इज ऑफन फोर्स्ड टू रिमेन पुअर। अगर पेरेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं तो उनकी अर्निंग भी कम होगी, जब अर्निंग कम होगी तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, जिससे उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में अगर पीछे हो गए तो वो बच्चे रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, वो बच्चे लायबिलिटी बन जाएंगे। सो अगर एजुकेटेड है तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेगा। इकोनॉमिक मतलब हमारी GDP जो है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी उसको इंक्रीज़ करेगा। सो ऑल ऑफ अस नो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। सो अबाउट दीज एक्टिविटीज़ वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू जस्ट मैच द पॉइंट्स विच आर टॉट इन दिस वीडियो टू योर NCERT बुक एंड ट्राई टू लर्न एंड क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो।